नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भगवान से अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर हो हमेशा खुश रहें। आज का टॉपिक कुछ खास नहीं है, लेकिन बस मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद सुन करके आपके भी दिल में कुछ गुदगुदाहट होने लगेगा, आपका भी दिल पसीज जाएगा कि बड़े बड़े जो शहंशाह मेरे थे, लीडर थे, राजा महाराजे थे, वो कैसे बिहेव करते थे अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने जनता के साथ। एक समय की बात था, जैसे कि आप सुने होंगे, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप सुने हैं कि राजा रंजीत सिंह, जिनका नाम काफी और बहुत बड़े एम्पायर थे, बहुत बड़ा राजा थे, बहुत बड़े शासक थे, वो इवनिंग में वॉकिंग करने के लिए निकलते थे, शाम को वॉकिंग करने के लिए निकलते थे। इसी तरह से एक दिन निकले और रास्ते से जा रहे थे तभी उनको कहीं से एक ढेला आया और उनके सर पे खर्च लगा और उनके जो रक्षक थे, उनके जो सिपाही थे, वो इधर उधर ढूंढने लगा कि आखिर ये ढेला इनके सर पे कैसे लगा। राजा रंजीत सिंह बहुत गुस्से से आग बबूल हो गए और वो झट से बोले कि जिसने पत्थर मारा उसे पकड़कर मेरे पास लेकर जाओ, मेरे पास पेश करो। और उनके माथा से ब्लड आ रहा था, वो तुरंत गए डॉक्टर के पास, वैद्य के पास और अपना ट्रीटमेंट करवाए। और उनका जो सिपाही था दौड़ते हुए गया, खोजते हुए गया, तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ी औरत भागते हुए जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने उनको पकड़ लिया, उनके सैनिक ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके उनको पेश किया। कहाँ पे ले जा करके? उनके दरबार में। डरते हुए वो बुद्धि गई और डरते हुए थरथराते हुए गई और राजा रंजीत सिंह ने बोला कि आखिर तुमने मुझे ऐसा ढेला, इतना बड़ा पत्थर क्यों मारा? मैं तुम्हें दंड जरूर दूंगा, तुम वजह बताओ कि तुमने पत्थर क्यों मारा। वो डरती हुई, मतलब कि सहमे हुए, वो बोली, राजन महाराज, मैं ये पत्थर जानकर नहीं मारा, मैं गलती से मारा था ये पत्थर। जब मैं पत्थर मार रहा था, मैं आपको नहीं पत्थर मार रहा था, वहीं पे एक बेल का पेड़ था, बेल पका हुआ था, मेरा बेटी भूखा, 2-3 दिन से भूखा था, मैं वो पत्थर को तोड़ रहा था, मैं वो पत्थर को मारा था। अगर वो पत्थर को लग जाता तो आपको ये ढेला नहीं लगता, आपको ये पत्थर नहीं लगता। अगर वो बेल पे लग जाता तो ये आपके सर पे नहीं लगता, वो बेल पे नहीं लगा और गलती से आपके सर पे लगा। मेरा बेटा बेटी 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखे प्यासा, आप जो चाहे मुझे मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जान को आपको पत्थर नहीं मारा। ये सोचकर राजा रंजीत सिंह के बोले, अपने सिपाहियों को बोले, सिपाहियों, इस व्यक्ति को, इस लेडीज को तुम 1,000 रुपया दे दो और खाने पीने का करीब 2-3 साल का राशन दे दो। ये बात सुन करके उनके सिपाही और जो उनके आस पड़ोस में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि महाराज, आपने, आपको ढीला लगा, आपको चोट लगा, उसके बावजूद भी आप इसे छोड़ने के लिए सम्मानपूर्वक कह रहे हैं, ऊपर से 1,000 रुपया देने बोल रहे हैं और 5-6 साल का खाने का बोल रहे हैं। तो राजा रंजीत सिंह ने बोला कि वो नजीब पेड़ को चोट लगने पे भी मीठा फल देता है और मैं तो सजीव हूँ, मैं तो जीता जागता हूँ, मुझे सोचने का क्षमता है, तो मैं क्यों नहीं चोट लगने पे भी इसे, इसके साथ मैं अच्छा बर्ताव कर सकता हूँ, इसे खाने के लिए दे सकता हूँ, उसे पैसे दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से यही मिलता है कि हमें बुद्धि और विवेक है, हम सब सोच समझ सकते हैं, सोच के बातें कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। तो जितना हो सके लोगों को मदद करें, आप जितना सक्षम हो लोगों को मदद करें, क्योंकि फिर मैं एक स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें एक चींटी कैसे श्री राम को मदद किया था, एक गिलहरी कैसे श्री राम को मदद किए थे और इसके वजह से वो आज तक जिंदा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग योर ऑन चैनल cartoon.com। आज की वीडियो के